नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो का जो हम सीरीज चला रहे थे SSC CGL Tier 1 2023 के प्री के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जो मैं सीरीज चला रहा था उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप चैनल पर जाके विजिट करें। आपको कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। अगर आप CGL, CHSL और MTS की तैयारी कर रहे हैं तो मैं CGL और CHSL का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैथ का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे हर एक शिफ्ट को करवाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं सॉल्व करना प्रीवियस ईयर के तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्यूशन सिर्फ एक ही चैनल पे आपको सारे शिफ्ट का मिल जाएगा। कहीं इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिस्टमेटिक वे में 1x1 शिफ्ट करके सभी शिफ्ट को मैं इस चैनल पे सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 2.5 इंटू देखिए 9 से काटिए इसको, 16 से कट जाएगा, इसको काटिए 9 दुनिया 18 फिर से तो उसको काट लीजिए 8 और ये हो गया 11, मतलब 8/11 ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए, फिर इंटू है, देखिए इसको काटिए 11 बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, 9×9=81, मतलब 11×9 ये बार 11 से 11 कैंसिल, कितना होगा 2.5 × 72। तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए इसको अगर हम डबल कर देते 5 आ जाएगा, इसको हम डबल के इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब 36, 5 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 180 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 180 आपका आंसर होगा। तो फास्ट आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, आपको प्रैक्टिस से ये सब फास्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एवरेज से क्वेश्चन है, देयर आर 3 मेम्बर इन अ फैमिली, मतलब एक परिवार में 3 मेम्बर है, फादर और मदर का एवरेज एज दिया हुआ है 40 साल, मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा 40×2=80 साल। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड डॉटर, फादर प्लस मदर प्लस डॉटर का एवरेज एज 30 साल है, 30×3 मतलब तीनों का एज का सम हो जाएगा 90 साल। पूछा गया हमें क्वेश्चन में डॉटर का एज क्या होगा। देखिए फादर प्लस मदर का एज 80 साल है, फादर प्लस मदर प्लस डॉटर का एज का सम 90 साल है, तो 90-80 डॉटर का एज आपको 10 साल आ जाएगा। तो देखिए सबको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, माइंड में कैलकुलेट कीजिए और सॉल्व कीजिए। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक शॉपकीपर, देखिए प्रॉफिट लॉस से है ये क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में CGL के में पूछे गए हैं, तो काफ़ी SSC के लिए फेवरेट क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए एक बार आप समझ लीजिएगा तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन में हम क्या कहा गया है कि सपोज किए, देखिए 1000 ग्राम का कोई भी सामान है, ठीक है इसको मान लेते हैं 1000 ग्राम का सामान है, तो हर एक ग्राम का कॉस्ट 1 रुपया है, मतलब 1000 ग्राम का कॉस्ट हो जाएगा, मतलब CP हमारा मान लेते हैं 1000 रुपया है। अब कहा है इस पर 15% प्रॉफिट कमाता है दुकानदार, तो क्या हो जाएगा 15% प्रॉफिट, मतलब 1150 रुपये में इसको बेचना पड़ेगा। ठीक, लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया है ये तो 15% प्रॉफिट लेता ही, लेकिन 20% जो है जो वेट करता है वो 20% कम ही वेट करता है, मतलब हमें अगर 1000 ग्राम सामान कह के तो दे दिए हम उसको, ठीक है उसके हिसाब से हम 1150 रुपया ले भी लिए, लेकिन एक्चुअल में हमने सामान कितना दिया है, मतलब 1000 ग्राम का है, उसमें से 20% का मतलब 800 ग्राम का कोई भी हम किसी को सामान दिए हैं, मतलब 800 ग्राम को हमें CP कितना हो जाएगा 800 रुपया, मतलब हमारा 800 का CP है और सेलिंग प्राइस है हमारा 1150 रुपया का, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ तो वही निकाल लीजिए परसेंटेज में। देखिए 800 प्रॉफिट कितने का हो गया 350 का, मतलब SP माइनस CP कर लीजिए 350 का हो जाएगा, इंटू 100 कर लिए परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कट जाएगा 350/8 ये हो जाएगा 8×32 हो गया, फिर हो गया 30×8=24 60×8=56 मतलब 43.75 आपका परसेंटेज आंसर आ जाएगा। बस 2 स्टेप आपको करना था आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए
सिंपल क्वेश्चन है, डिवीजन रूल से है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर कहा है 8 से कोई नंबर, सबसे पहले समझिए 8 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल हो सकता है। 8 से डिविजिबल का रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो चाहे नंबर कितने भी डिजिट का है वह पूरे का पूरे नंबर 8 से डिविजिबल होगा। मतलब 1 8 1 4 8 1 0 9 3 2 6 है, ये इसमें से पूछा गया है कौन सा नंबर घटाएं कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब आखिरी के 3 डिजिट मतलब 326 में से कौन सा नंबर माइनस करें कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन यूज कीजिए और आप आंसर निकाल देखिए, हम 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 320 को 8 से आसानी से डिविजिबल है मतलब 40 बार में घट जाएगा, मतलब इसमें से अगर 6 माइनस कर देंगे तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से है, कुछ भी नहीं करना है, देखिए और इसको आंसर आप मार सकते हैं। देखिए क्या करना है इसमें, देखिए अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखिए माइनस टू ए बी तो माइनस टू ए बी कैंसिल, देखिए ए स्क्वायर दो बार है और बी स्क्वायर दो कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन था इसमें कुछ करना नहीं था, इस पर इसको सॉल्व करें, देखिए दो कॉमन लेकर के 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मतलब 25, ये सब तो देखना है आपको, आंसर मारना है, हलवा सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ अ कोन हाइट इक्वल टू द रेडियस सेलेंट हाइट, देखिए वॉल्यूम निकालना है कोन का, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला कहता है 1/3πr² h। देखिए एक कोन है, ठीक है, कोन का रेडियस और हाइट दोनों इक्वल है, अगर ये एच है तो ये भी रेडियस भी एच है, सेलेंट में तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है ये 5 है, तो रेडियस निकाल लीजिए मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल मतलब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण बन गया, मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 25 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर, मतलब हाइट आपका कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 25 रूट में चल जाएगा मतलब 5/√2 आ जाएगा, इसमें पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तब इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर लीजिए तो 1/3 × π तो π ही रहेगा, आर स्क्वायर मतलब तो एच जितना है उतना ही आर भी होगा मतलब 25 और √2 का स्क्वायर 2, हाइट कितना हो जाएगा 5/√2, सॉरी ये रूट में नहीं है 5, यानी 5 को 25 से मल्टी 125, 125 यहाँ लिख लेते हैं 125/√2 और पाई तो रहेगा ही, बस यही आपका ऑप्शन में दिया गया है, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है एक पुलिसमैन नोटिस अ थीप फ्रॉम 300 मीटर। देखिए एक पुलिसमैन जो है ये नोटिस करता है कि 300 मीटर दूर पे एक चोर भाग रहा है, तो वो क्या है, पुलिसमैन चोर का पीछा करना स्टार्ट करता है, तो चोर भागता है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और पुलिसमैन उसको 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसका पीछा करता है, तो पूछा गया 3 मिनट के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या है, देखिए एक दूसरे के डायरेक्शन में भाग रहा है तो दोनों का रिस्पेक्टिव स्पीड रिलेवेंट स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा, हमें पूछा गया है 3 घंटे के बाद दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना रह जाएगा। अभी कहना है 300 मीटर का, तो पहले देख लीजिए 3 घंटे 1 घंटे 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इसको पहले हम लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं और स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, मीटर 3 मिनट दिया सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, मतलब 5 × 10 मतलब 50 मीटर का डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के मतलब 3 मिनट में का गैप कम होगा, मतलब 300 मीटर अभी है, 3 मिनट के बाद 50 मीटर का डिस्टेंस कम होगा, मतलब 300 - 50 यानी 250 मीटर का डिस्टेंस अब 3 मिनट के बाद दोनों के बीच में रह जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखिए साइन टी प्लस कॉस टी इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ, निकालना है साइन टी डॉट कॉस टी, मतलब साइन टी इंटू कॉस टी निकाल, दोनों को स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 sin t cos t 2 sin t × cos t इज इक्वल टू 16/25। देखिए साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 को ले जाइए उधर तो मतलब 2 sin t into cos t इज इक्वल टू
इधर हो जाएगा -1 मतलब 25 एलसीएम, और 16 -25 मतलब -9। हमें निकालना है साइन टी कॉस टी, इस टू को इधर ले आएंगे तो इधर आके 1/2 हो जाएगा, मतलब -9/50 आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना था और आंसर आपका जाएगा। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस प्लस को आप सही से ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए y प्लस 2x है, फिर माइनस बिग ब्रैकेट, देखिए y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस x, और प्लस माइनस माइनस y, ठीक। देखिए ये माइनस y और ये y कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस x बचेगा, फिर ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज -2y। देखिए y, देखिए ये x से x ये भी कैंसिल, प्लस 2x माइनस माइनस ये दोनों हो जाएगा प्लस y माइनस 2y। देखिए y y 2y हो जाएगा और ये माइनस 2y, मतलब 2x आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड रो का क्वेश्चन था, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, और सी इसी काम को 36 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सिंपल है, तीनों का एलसीएम लीजिए, मतलब तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, सबसे नंबर 36 दुनी 72, 16 टेबल में नहीं आएगा, 36 ते 108, 16 टेबल में आएगा, 24 टेबल में आएगा, 36 चौका 144, 144 तीनों कैल्शियम हो जाएगा, 16 9 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक एफिशिएंसी 9 हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 144/24 मतलब 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36/144/6 की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। तीनों मिल कितना करेगा 144 यूनिट काम है पर डे हो जाएगा, 9 6 15 4 19, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 19 7 कितना होता है 133, और बच जाएगा 6 11/19, डेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है सिंपल इंटरेस्ट से, देखिए पूछा गया है 5 साल 500 रुपया 3 साल के लिए, 650 रुपया 5 साल के लिए, और 12+7 साल के लिए इन डिपॉजिट करता है, तो एक पर्सन को 1620 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए पी आर टी बाई 100 जो फॉर्मूला होता है सॉल्व करेंगे हम, आर बाई 100 को आप ले लीजिए पहले कॉमन, तो कितना हो जाएगा 50 × 3 मतलब 1500 प्लस 650 × 5 कितना हो जाएगा 600, 3000 2500 मतलब 3250 प्लस 1250 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 1200 को 7 से करेंगे 8400, और 350 को करेंगे 7 से, तो 8400 प्लस 3850 आपका ये हो जाएगा इज इक्वल टू है आपका 1620। देखिए तीनों को जोड़ लीजिए, देखिए 3250 और ये हो जाएगा आपका 8700, इसको दीजिए 85 हो जाएगा 8800, मतलब 8800 प्लस 3200 तो 11000 मतलब 12000 ये हो जाएगा आर बट्टे 100 × ये हो जाएगा आपका 12000 प्लस 1050 मतलब 13500 इज इक्वल टू 1620। देखिए 20 से ये तो 0 आपका कैंसिल, 9 से इसको काट लेते हैं तो 15 × 135 18 × 162 ये 15 × 12 180 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन, देखिए ज़्यादा कुछ करना नहीं, क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग है, पहले क्वेश्चन को आप समझिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए कहा गया है रक्षित अजय एंड सतीश सैनिटेशन वर्कर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, रक्षित क्या है अकेले 20 घंटा में क्लीन कर लेता है ड्रेन को, मतलब रक्षित जो है अकेले ड्रेन को 20 घंटा में क्लीन कर देता है, जबकि अजय जो है इसको 12 घंटा में क्लीन कर देता है, लेकिन व्हेन वर्किंग एलोन, लेकिन ऑल थ्री अगर काम करता है मतलब रक्षित अजय और सतीश, तो इसको 5 घंटे में क्लीन कर देता है, तो पूछा गया है सतीश अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा। बस तीनों को आप एलसीएम लीजिए, सॉल्व हो जाएगा, देखिए 60 आपका हो जाएगा एलसीएम 3 5 और ये कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 12, मतलब देखिए यहाँ से सतीश का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, ये रक्षित और अजय मिलाकर कितना एफिशिएंसी 8, और तीनों मिला करके 12 और सतीश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपका 4, मतलब अगर सतीश की एफिशिएंसी 4 आ गई, पूरा काम 60 यूनिट है, सतीश कितने अकेले कितने में कर लेगा 60/4 मतलब 15 दिन में या 15 घंटा में सतीश काम को ड्रेन को कंप्लीट कर लेगा, मतलब क्लीन कर देगा ड्रेन को। बस सिंपल था,
चलिए अब देखिए, ज्योमेट्री से है, अगला क्वेश्चन है ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ दोनों क्या है, सिमिलर है मतलब समान है। पेरीमीटर ए बी सी एंड डी एफ का दिया हुआ है, तो डी दिया है और ए बी दिया, ए बी का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए अगर दो ट्रेंगल सिमिलर है तो उसके जो पेरीमीटर का रेशियो होगा उसके इक्विवेलेंट साइड के रेशियो के बराबर होगा। मतलब पेरीमीटर ए बी सी का रेशियो दिया हुआ 40/12, इसी का इक्विवेलेंट साइड के बराबर होगा। मतलब ए बी का साइड बाय इसमें क्या जाएगा डी ई का साइड, डी दिया हुआ है 6, हमें ए बी का निकालना है, 6 × 12 से कट जाएगा, ये भी कुछ नहीं था। अगर ये थ्योरम पता था तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ए बी का आंसर आ जाएगा आपका 20। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर, 693 मीटर का सर्कुलर पाथ है, सुजाता और अंजलि स्टार्ट करता है सेम पॉइंट से चलना लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का स्पीड दिया हुआ है 2.85 किलोमीटर पर आवर और +1.5 मीटर पर सेकंड। देखिए इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये जगह 0.3 मतलब 5.4, ये जगह दोनों को सम कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इक्विवेलेंट स्पीड कितना जाएगा आपका 5, 12, 7, 1, 8, ये होगा 8.25। तो पूछा गया दोनों फर्स्ट टाइम कब मिलेगा, मतलब हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है 693 ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है 8.25 ये हो गया। इसको 693 को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से आपको डिवाइड करना होगा, आंसर आएगा हमारे आवर में, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर दिया है मिनट में, तो मीटर मिनट में निकाल सकते हैं। देखिए 10 से तो 10 कैंसिल, इस 20 से 2 डेसिमल कैंसिल, ठीक है। अब जो है इसको काट लीजिए 6×3 = 11 काटिए, 11×6 = 66, 11×6 = 66, 3×11 = 33, 11×7 = 77, 11×5 = 55, ये हो गया 9। इसको 3 से फिर से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा आपका 25। 21 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 126/25, देखिए 25 से डिवाइड करके सबसे आसान तरीका है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 100 हो जाएगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 126 को 4 से करेंगे, 125 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 500 और 504, मतलब 504/100 मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल 5.04 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कहा क्वेश्चन में, सेलेक्ट द इनकरेक्ट फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, देखिए ये सभी ऑप्शन में दिया है फार्मूला, पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए आपको फार्मूला पर दो तीन फार्मूला होता है बताता हूँ, 1+tan² θ इज इक्वल टू आपका होता है sec² θ, ठीक इसको वैसे भी लिख सकते हैं sec² θ -tan² θ इज इक्वल टू 1, ठीक। और एक होता है ये cosec1+cot² θ इज इक्वल टू cosec² θ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं cosec²θ - cot²θ इज इक्वल टू 1, और 1+sin²θ इज इक्वल टू 1 होता है, 1+sin²θ + cos²θ इज इक्वल टू 1 होता है, पता ही होगा। इसमें पूछा है कौन सा आंसर गलत है, फॉर्मूला गलत, देखिए sec²θ - tan²θ इज इक्वल टू 1, sin²θ + cos²θ इज इक्वल टू 1 ये भी करेक्ट है, cosec²θ - cot²θ इज इक्वल टू 1 ये भी करेक्ट है, sec²θ + cos²θ इज इक्वल टू 1 ये इनकरेक्ट है, बस कुछ करना नहीं आपको फार्मूला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी टाइम एंड वर्क से है, देखिए कहा गया है 15 मैन + 25 वुमेन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 9.6 डेज, इफ 16 वुमेन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 27 डेज तो फाइंड द नंबर ऑफ 16 मैन कैन कंप्लीट। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 16 से काटिए, 16×96 होता है 0.6 हो गया, इसको 3 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0.2, 0.2 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 को 30, मतलब 3 मैन + 50 मतलब 5 वुमेन इज इक्वल टू हो गया 9 वुमेन, इसको ऐसे लिख लीजिए 3 वुमेन इज इक्वल टू इधर जाएगा माइनस में मतलब 4 वुमेन हो जाएगा, एक यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा 3 वुमेन इज इक्वल टू 4 वुमेन। देखिए यहाँ कहा गया है 16 वुमेन काम को 27 दिन में कर सकता है, देखिए 16 वुमेन काम को 27 दिन में
कर सकता है तो चार ओमेन काम कितने दिन में करेगा, चार ओमेन काम कितने दिन में करेगा, 27 × 16/4 ये नहीं काट लीजिएगा कितना हो जाएगा, चार चौका मतलब चार ओमेन, यहाँ से देखिए आप एक मिनट, चार ओमेन जो है काम को 108 दिन में कंप्लीट कर लेता है, मतलब चार सॉरी एक मिनट, चार ओमेन यहाँ तीन मैन है, ये चार ओमेन काम को 108 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसको हम इसे भी लिख सकते हैं तीन मैन इसी काम को 108 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो पूछा गया है 16 मैन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, मतलब तीन मैन काम को 108 दिन में कंप्लीट, 16 मैन मिले कितना दिन में करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 103 को इधर भेज देंगे मतलब एक मैन हो जाएगा 108 × 3/16। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, 108 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना जाएगा, 324/16 डेज आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे काटिएगा 16 × 2 = 32, 32 × 2 फिर 0 = 40, 16 × 2 = 38, 58 = 40, ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। नंबर 70 दिया है, बार ग्राफ से क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5 डिफरेंट कंट्री का दिया हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंग्लैंड और यूएसए, करोड़ में दिया गया, पूछा गया हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ मोर देन एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें निकालना पड़ेगा, एवरेज कितना है, देखिए इंडिया कितना है 20 यानी 30, पाकिस्तान का 20 50 और ये चाइना का 50 100, इंग्लैंड का 40 140 और 60 कितना हो गया 200, डिवाइड कीजिए 5 से मतलब 40, 40 से ज़्यादा किस किस कंट्री का है, तो चाइना का है और यूएसए का, तो ये पूछा गया है हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब 40 से ज़्यादा दो कंट्री का इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, तो आपका दो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 कोर्ड दिया हुआ एक्स वाई, फाइंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोर्ड एक्स वाई। तो देखिए एक सर्कल ये है, ये कोड है आपका एक्स वाई, जिसकी डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हमें निकालना है सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब अगर ये है तो ओ ए का डिस्टेंस हमें निकालना है, ओ ए का डिस्टेंस निकालना है। एक चीज़ पता होगा आपको, जो कोड पे जो परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ किए हैं वो क्या होगा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब अगर हम ओ ए को बोल दें 5 सेंटीमीटर है और इसको हम ऐसे मिला दें तो क्या होगा, ओ वाई क्या है रेडियस है, ओ वाई रेडियस है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब हमें यहाँ सर्कल के हेल्प से रेडियस निकाल लेते हैं, मतलब सर्कल का रेडियस क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 दिया हुआ है, रेडियस कितना हो जाएगा, रूट अंडर इधर चल जाएगा, मतलब आर स्क्वायर लिखिए, देखिए 616 × 22 ऊपर चल जाएगा 7, मतलब 11 से कट रहा है, 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, ये 2 से 28, ठीक है, मतलब आपका हो जाएगा 7 × 2 = 14, मतलब रेडियस आपका आ जाएगा 14 ही आएगा, 56 इसको 7 × 4, ठीक है, तो 14 आपका रेडियस, ये 14 आ गया। अब आपको निकाल लेना है ये ओ ए का डिस्टेंस, ओ ए का डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर कर्न हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर 196 माइनस 5 का, यहाँ का डिस्टेंस कितना है 5 मतलब 25, 196 माइनस 25 मतलब 171 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, क्वेश्चन को देखिए और आप आंसर डायरेक्ट मार दीजिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। देखिए साइन स्क्वायर दिया हुआ है, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है, चाहे कॉस स्क्वायर दिया है, दोनों का सम 90 डिग्री है तो प्लस है तो 1 होगा, अगर माइनस है तो आंसर 0 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, देखिए साइन स्क्वायर 25 प्लस, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, मतलब साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए स्टैटिक्स क्वेश्चन है, कहा गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बिलो बार ग्राफ, प्रोडक्शन ऑफ द राइस इन लाख बाय 3 स्टेट ए बी सी का प्रोडक्शन राइस में सभी ईयर का दिया हुआ है, तो पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए
ऑप्शन एक के पास ये प्रोडक्शन ऑफ राइस ए इन 2016, ए का कितना 2016 में 50 टन, 50 लाख टन। कहा गया लेस देन द राइस प्रोडक्शन बाय सी इन 2020। देखिए सी का प्रोडक्शन कितना है, सी का 2020 में 50 से कम मतलब 45 है। ये पूछा गया ए का जो प्रोडक्शन है 2016 में सी से कम है तो नहीं, किसी से ज़्यादा है ए का प्रोडक्शन 2020 में 2016 में, ये आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर दो में देखिए बी प्रोड्यूस मोर राइस देन ए एंड सी इन 2080। देखिए 2080 में कहा गया है बी जो है, बी का देखिए ये है बी जो है सी और ए से ज़्यादा राइस प्रोडक्ट करता है, नहीं क्या करता है, कम राइस प्रोडक्ट करता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस राइस वाज इन 2017, कहा गया 2017 में सबसे हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन है। इसको कैसे निकालेंगे हम, 2016 में निकाल लीजिए, 2017 में निकाल लीजिए कितना राइस प्रोडक्शन हुआ है, 2018 में निकाल लीजिए, 2019, 2020 और 2021 में, सबको निकालना पड़ेगा तब जाके आपको चेक करेंगे कि इसमें ज़्यादा है कि नहीं। क्या करना है, इस ऑप्शन को पेंडिंग में रख दीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर पढ़ लीजिए क्या कहा गया, राइस प्रोडक्शन ऑफ बी इन 2017, राइस प्रोडक्शन ऑफ बी इन 2017 कितना हुआ है, 60 लाख टन हुआ है बी का, इज इक्वल टू राइस प्रोडक्शन ऑफ ए इन 2020। तो राइस प्रोडक्शन ऑफ 2020 में दोनों देखें, ए का 20 में कितना है 60 लाख टन और बी का कितना है 2017 में 60 लाख टन, दोनों कहा इक्वल है तो इक्वल तो है, तो यानी आंसर हमारा ऑप्शन हमारा फोर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड को हमें चेक करने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम को बचा सकते हैं एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन है, इसमें एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखिए परसेंटेज जितने भी है सब के सब हो जाएगा कैंसिल, देखिए एक एक जीरो सब में है, सबको कर देंगे हम कैंसिल। देखिए तो क्या हो जाएगा, 28x इज इक्वल टू 15 को 24 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख लीजिए 30, इसको लिख लीजिए 12, मतलब आसान हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने में, प्लस ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 31, मतलब 620, ये कितना है 360 प्लस 620 मतलब 620 ये कितना हो जाएगा 980, ये हो जाएगा 28x, मतलब x का वैल्यू हमें निकालना है, इधर आ जाएगा 28 डिवाइड में, बस अब इसको 28 से डिवाइड कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 14 से काटिए, 14 7 98, 14 2 28 मतलब आपका 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 35 होगा। चलिए अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है अलजेबरा से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7 प्लस 2 या 9, मतलब प्लस माइनस 3 होगा। लेकिन देखिए आगे दिया गया है एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, मतलब एक्स कभी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब एक्स प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, एक कंडीशन दिया हुआ है तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ से निकालना होगा 1 माइनस 1 बाय एक्स, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7 माइनस 2, मतलब प्लस माइनस रूट अंडर 5। अब देखिए यहाँ पर इसमें से प्लस होगा या माइनस होगा, देखिए यहाँ पर कहा गया है एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, मतलब डेसिमल में कुछ भी सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, .. 0.9 तक एक्स का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, देखिए 1x / 1 - x का मतलब क्या हुआ, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 1x से छोटा ही होगा, मतलब डेसिमल में अगर किसी, जैसे सपोज कीजिए 1 0.1 है, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब देखिए अगर हम एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, एक्स का वैल्यू हम लेते हैं इसमें से 0.5, तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0.5 और 0.5 का रिवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1.0.5, मतलब ये हो जाएगा 2, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा 1x से हमेशा क्या होगा, लेस देन ही होगा, मतलब ये छोटा वैल्यू में से अगर हम बड़ा वैल्यू को घटाएंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, निगेटिव ही आएगा, मतलब माइनस रूट अंडर 5 ही आएगा। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 - -√5 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, लेकिन माइनस आंसर क्यों होगा, समझ गए होंगे अभी भी, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कॉमेंट कर दें, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। देखिए एरिया ऑफ टू ट्रायंगल का रेशियो दिया हुआ है 5:5,
तीन और दोनों का हाइट का रेशियो दिया है 5:7, फाइंड करना है दोनों का बेस का रेशियो। यही होता है एरिया का रेशियो इज इक्वल टू हाइट का रेशियो इंटू बेस का रेशियो, या फिर ऐसे बोलते हैं 1/2 हाइट इंटू बेस का जो फार्मूला होता है उसी पे आप पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से 5 कैंसिल, ए बाई बी निकालना है, 7 चल जाएगा उधर, ए बाई बी का हो जाएगा वैल्यू 7/3, मतलब 7:3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन हमारा है, इफ़ एलसीएम एंड एचसीएफ टू नंबर, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, निकालना है दोनों का मीन प्रोपोर्शन। अगर दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन मतलब एक्स वाई का निकालते क्या रूट अंडर एक्स वाई, मतलब दोनों का गुणनखंड, मतलब दोनों एलसी एक्स और वाई दो नंबर है, दोनों का गुणनखंड क्या होगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड हो जाएगा, मतलब 12 × 24 इसका हो जाएगा गुणनखंड। हमें निकालना है इसका मीन प्रोपोर्शन, मतलब रूट अंडर 12 × 24, मतलब इसको 4 बाहर आ जाएगा तो कितना होगा 2√6। बस यही था, इसमें काफ़ी आसान था क्वेश्चन। चलिए हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह से और भी नेक्स्ट शिफ्ट को सॉल्व करवाऊंगा, CHSL का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ उसको भी सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आगे जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं SSC के लिए उसमें आपको हेल्पफुल हो। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।